बढ़िया 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 बढ़िया। आइए क्या नाम हो गया? दिलीप महतो। महतो साहब कितने साल हो गए अम्बाला में? 35 साल हो गए। यहीं पर तब तो तुम यहीं के हो गए तुम? नहीं नहीं जाता आता होगा। जाते हो? वोट वोट वहाँ है या यहाँ? वोट वहीं है। अच्छा लगाव अभी वहीं बनाए हो, जोड़ वहीं बनाए हुए हो, सब कुछ वहीं है। तुम डॉक्टर लाइन? कौन डॉक्टर लाइन? देखो मेला लगा हुआ चारों तरफ तुम्हारे, तुम्हारी वजह से सब तुमको देखने आ रहे हैं कि महतो साहब में आखिर क्या हो गया ऐसा, है ना? तो महतो साहब चुनाव कैसा चल रहा है इधर? मतलब ये तो बड़ा है, वो उसमें क्यों नहीं रखा इसको? इसका लाट अलग है, इसका लाट अलग है। ये कैसे पहचानते हो किसकी लाट कैसी है उसकी लाट कैसी है? पहचानना पड़ता है ना। हाँ? जैसे उसमें अंदर जो है क्रिस्पीनेस वो महंगा है ना, अब भसभसा गया तो सस्ता सस्ता। बात सही। जी नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? तो टीवी में बहुत देखते हैं। अरे जी 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 जी, ये महतो साहब हैं वहाँ के रहने वाले, बिहार के, 35 साल से अम्बाला में ही हैं। चले बाबू जी, कहाँ से आ गए? यहीं से जी, अम्बाला से। अम्बाला से? हाँ जी। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, यहीं के हैं जी हम तो। कहाँ के? यहीं के। हाँ? यहीं के। और ये दो लगाम क्यों निकाल रखी इधर? ये हाँ? ये वैसी पैशन है ये। हाँ? पैशन है। कौन चीज है? पैशन। कौन चीज? पैशन। कौन चीज? कान के लिए है, फैशन है ये। आपने भी तो कर रखी है। क्या ये फैशन नहीं है? ये मजबूरी है। भाजी ये 100 रुपए का नोट है, ये 2 रुपए का है, ये 1 रुपए का, ये पूरा, ये 1 रुपए का, ये 1 रुपए का, हाजी क्या बात है, थैंक यू। वाह भाजी, ये रुपए का काम होता है यहाँ पे, पुराने रुपए जो हैं, फटे पुराने नोट बदले जाते हैं, फटे पुराने नोट यहाँ पे बदले जाते हैं। एंटीक हो गया ये तो, है ना? ये अब 1 रुपए की गड्डी कितने की मिलती है सर? ये तकरीबन 1200-1300 रुपए। 1200-1300 रुपए की है। 100 रुपए 1200-1300 ले भी लेते हैं। हाँ जी, 1000 रुपए में ले भी लेते हैं। 1000 रुपए में ले भी लेते हैं। सबसे पुराना नोट 1 रुपए का कौन सा है आपके पास? वाला है ये, ब्रिटिश नोट है। ये ब्रिटिश नोट है, ये देशमुख का गवर्नर ना, सीटी देशमुख। हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी, ये 10 रुपए का नोट है सर। इसकी कीमत कितनी है सर? ये तकरीबन 5000 रुपए का है ये 10 रुपए वाला। अच्छा, आपने सारे गवर्नर याद कर लिए रिजर्व बैंक के और उसी हिसाब से काम होगा आपका, तो गवर्नर के हिसाब से पैसे तय हो जाते हैं। हाँ, डिपेंड है जो कम क्वांटिटी में बने उनकी, वो रेयर हो गए जो। और ये चांदी के सिक्के? इसमें ब्रिटिश भी है, बहुत तरह के हैं। हाँ। ये ब्रिटिश है, 1 रुपए का आता था। ये 1 रुपए का सिक्का था, इसमें सबसे पहले जॉर्ज फिफ्थ। हाँ, इसमें विलियम आता था 35 में। हाँ। फिर 40 में विक्टोरिया आई, 1901 तक रही। हाँ। फिर एडवर्ड आया 11 तक रहा, फिर पंचम आया 36 तक रहा। हाँ जी, जो ये फिफ्थ है ना। हाँ। फिर 6th आया, फिर आधी चांदी के सिक्के बनने लग गए थे 1936-1945 तक। उसमें 1939 वाला बहुत रेयर है। 1939 वाला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो चुका था, तो चल गए थे, तो वो रेयर है। वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का है 1939 का हाफ चांदी का। वो हाफ चांदी है लेकिन है वो 2.5 लाख रुपए का। 1939 का रेयर है वो, 1939 वाला रेयर है। क्या बात है भाजी, देखिए सर चुनाव के समय में घूमते घूमते गलियों में घूमे तो देखिए सब जानकारी मिल गई। आपका नाम हो गया? मेरा धर्मेंद्र है, जो ओनर है यहाँ के, उनका है हरवंत सिंह मोगा और नीटू बोलते हैं उनका निकनेम। नीटू,
नीटू के नाम पर। वो तो नीटू जो पंजाब में भी गए थे एक बार देखे मिले थे। हाँ, नीटू वो तो कोई और है जी, वो कम फेमस है, ये ज्यादा फेमस, ये ज्यादा फेमस है। नहीं नहीं वो भी बहुत फेमस है, वो चुनाव लड़े थे वो नीटू, जानते हो ना क्या नाम, क्या था उनका नाम, पंजाब में नीटू ही था, नीटू शटरा वाला। वो नीटू शटरा वाला थे, ये नीटू नोटा वाला है, ये नोटा वाला है। थैंक यू सो मच, आओ बाजी आओ, रुपए दिखा दिए हमने। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते, कैसे हैं? हाँ जी, नंबर वन है, बड़ा जबरदस्त है। आपने लिखा शबाशी और धोखे, पेड़ पीछे मिलते हैं। हाँ जी, पेड़ पीछे मिलते हैं, शबाशी और धोखे। हाँ, पेड़ पीछे मिलते हैं, शबाशी और धोखे, पेड़ पीछे मिलते हैं। अच्छा, धोखा पीछे से मिलता है और शबाशी वही पीछे से। क्या बात है साहब, क्या नाम हो गया आपका? ये बोल देख लो आप, अब बोलते नहीं है, आप बोल तो लेते हैं, बोलते नहीं हम। अच्छा, लिख के काम करते हैं, क्या लिखते हैं? सैनी कॉफी और भाई गजब। चाय पियो? चाय पीते नहीं हम, देखते हैं, देख लो फिर। हाँ देख रहे हैं, जब आप बोलते नहीं तो हम चाय देखते हैं। क्या बात है भाजी, बड़े मशहूर चाय वाले हैं ये सैनी साहब, और इनकी खासियत ये है कि इन्होंने लिखा है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। हाँ जी, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए। सैनी साहब बहुत बढ़िया, दूध डालिए फिर। शुक्रिया साहब, फिर आएंगे फिर। थैंक यू सो मच। आगे क्या है? क्या है? टिक्की टिक्की, आलू टिक्की। महक आ रही है ना, काहे की है ये? आलू टिक्की, आलू की, आलू टिक्की की आ रही है ना बेटा? मैं खानी आदमी। हाँ, कम ऑन, आओ फॉलो मी, यस यस, चलो भाजी आ जाओ। महक आ रही है कुछ खाने की, महक आ रही है कुछ खाने की। एक दुकान छोड़ के पंडित जी टिक्की वाला फेमस है। सच में मुझे बड़ी दूर से आ रही थी महक, मैं कुछ आ तो रही है महक। अच्छा, जब आपको भूख लगी हो तो महक आप पकड़ ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। एक दुकान छोड़कर टिक्की वाले आ जाओ। हाँ जी, यही से आ रही थी ना मैं कह रहा हूँ, बड़ी दूर से महक आ रही है, आ रही थी महक।